अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मटन मंदी बनाने की रेसिपी। ये एक अरेबियन बिरयानी है जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है। इसमें जो एरोमेटिक मसालों का कॉम्बिनेशन होता है, उससे जो चावल बनकर तैयार होते हैं बहुत ही खुशबूदार बनते हैं, और ये बिरयानी बहुत टेस्टी बनती है। बहुत यूनिक और डिफरेंट तरह की बिरयानी है और बहुत ही आसानी से भी बनती है। तो आइए देख लेते हैं इसको कैसे बनाना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल के बटन को ज़रूर दबाइए, तभी मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचेगा। तो मटन मंदी बिरयानी बनाने के लिए मैंने 1/2 kg मटन लिया हुआ है। 1 नींबू का रस लेंगे, 1/4 टीस्पून लेंगे हल्दी का पाउडर, 2 टीस्पून नमक लेंगे, और इसी के साथ मैंने 1/4 टीस्पून ज़ाफ़रान लिया, जिसको कि मैंने 1/4 कप गुनगुने पानी में घोल के रखा है। 4 से 5 हरी मिर्चों का पेस्ट लेंगे, और ये मंदी बनाने की ख़ास मसाला है, जिसको कि मंदी बिरयानी का मसाला बोलते हैं। इसमें 2 इंच का दालचीनी का टुकड़ा है, 1 टीस्पून है जिंजर पाउडर। अगर आपके पास जिंजर पाउडर नहीं है तो आप अदरक का पेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 बड़ी इलायची है, 1 टीस्पून है काली मिर्च, 1 टीस्पून है ज़ीरा, 6 छोटी इलायची हैं, 5 से 6 लौंग हैं, और 1 टेबल स्पून साबुत धनिया है। इन सभी मसालों को हमें मिक्सी में डालकर इसका एक फ़ाइन पाउडर बनाकर रख लेना है। तो अभी मैं इसका पाउडर बनाकर इसको एक साइड में रख लेती हूँ। 1/2 kg मैंने यहाँ पर बासमती लॉन्ग ग्रेन राइस लिए हैं, जिनको मैंने आधे घंटे पहले भिगो कर रख लिया था। 2 मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने चॉपर में फ़ाइन काट लिया, आप इसको ऑमलेट कट काट के रख सकते हैं, और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, इनको भी मैंने फ़ाइन काट के रखा हुआ है। 2 से 3 हरी मिर्चें लेंगे, या फिर आप इसको अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं। 1 क्यूब में यहाँ पर चिकन स्टॉक का इस्तेमाल कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है, आपके पास है तो डालिए वरना अवॉइड कर दीजिए। 2 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 3 से 4 लौंग, 4 छोटी इलायची और 1 बड़ी इलायची लेंगे, और 2 तेज़पत्ते हमें यहाँ पर इस्तेमाल करने हैं, और 1 टीस्पून नमक लेंगे जो हमें चावलों में ऐड करना है। इसको हम टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे, और ये मंदी बिरयानी की ख़ास चटनी है, जिसके बगैर मंदी बिरयानी अधूरी है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, तो आप वहाँ से ले लीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले हमें मटन को मैरिनेट करना है, तो ये मंदी बिरयानी के जो मैंने ख़ास साबुत मसाले लिए थे उसका मैंने पाउडर बना लिया है, वो पूरा पाउडर हमें यहाँ पर इसमें डाल देना है, और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चों का पेस्ट, नमक डालेंगे, हल्दी डालेंगे, और ज़ाफ़रान जो हमने पानी में घोल कर रखा है डालेंगे, और साथ ही में नींबू का रस भी निचोड़ देंगे। अब हमें इसको मैरिनेशन के लिए रखना है। आपके पास टाइम है तो 3 से 4 घंटे के लिए रख लीजिएगा, और अगर टाइम की शॉर्टेज है तो 1 घंटा भी रखा जा सकता है। इसको हमें पहले अच्छे से मिला देना है, और अभी हम इसको रख देते हैं मैरिनेशन के लिए। जितना अच्छा मैरिनेट होता है उतना ही टेस्ट अच्छा आता है मटन में। तो चलें पकाना शुरू करते हैं। एक प्रेशर कुकर में हम 3/4 कप यानी कि 150 ml के करीब तेल को गरम कर लेंगे, और जब तेल हमारा गरम हो जाएगा हम इसमें तेज़पत्ता और गरम मसाले डाल देंगे। इनको हल्का सा क्रैकल होने देंगे, और अब हम डाल देंगे इसमें अपनी बारीक कटी हुई प्याज, और यहाँ पर हमें प्याज को बस हल्का सा गुलाबी होने तक फ्राई करना है। हमें यहाँ पर प्याज का कलर कोई ख़ास चेंज नहीं करना है, बस ये हल्की सी सॉफ्ट हो जाए और हल्का सा इसमें गुलाबीपन आ जाए तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। इसी के साथ हमें इसमें हरी मिर्चें भी ऐड कर देनी है। तो ये देखिए हमारी प्याज जो है हल्की सी गुलाबी हो गई, इसे ज़्यादा हमें इसका कलर नहीं बदलना है। अब हम इसमें अपना मैरिनेटेड मटन डाल देंगे, अच्छे से इसको मिला देंगे इसके अंदर, और इसी के साथ जो हमने बारीक कटे हुए टमाटर रखे हुए हैं वो भी हमें इसमें डाल देने हैं, और साथ में जो हमने चिकन क्यूब लिया है वो भी इसमें डाल देंगे, और इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। इस दरमियान एक पैन में हम 1 टीस्पून के करीब तेल को गर्म करेंगे, और इसमें हम 8-10 काजू और 8-10 बादाम डाल देंगे, और इसको मीडियम फ्लेम पर हल्का सा फ्राई कर लेंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ये दोनों डालें या फिर इन दोनों को अवॉइड करते हैं। इधर हमारा मटन जो है ये भुन चुका है, अब हमें इसको गला लेना है। तो हम इसमें 1 कप यानी कि 250 ml के करीब पानी ऐड कर देंगे, इसको मिला देंगे, और अब हम इसके लेड लगा देंगे। जब इसमें हाई फ्लेम पर एक प्रेशर आ जाएगा तो हम इसकी गैस की फ्लेम को लो कर देंगे, और लो फ्लेम पर इसको 9 से 10 मिनट के लिए कुक करेंगे। इसके प्रेशर को हमें नेचुरली रिलीज़ कर लेना है, और यहाँ पर हमारा मटन गल चुका है, ये देखिए। अब हमें यहाँ पर से मटन के सारे पीसेस को बाहर निकाल लेना है, तो ये देखिए मैंने सारा मटन के पीसेस को बाहर निकाल लिया है। अब हमें इसको ट्रांसफ़र कर लेना है खुले वेसल में, जिसमें कि हमें चावल पकाने हैं।
तो उस यखनी को मैंने खुले वेसल में ट्रांसफर कर लिया है, जिससे कि जो चावल हैं वो खिले खिले बनेंगे। आप चाहें तो प्रेशर कुकर में ही पका सकते हैं चावलों को। तो अब मैं इसमें ट्रांसफर कर दूंगी चावल। अब हमें यहाँ पर इसका पानी देखना है कि इसमें कितना पानी लगेगा। मैंने यखनी बनाते टाइम 1 कप यानी कि 250 ml पानी इसमें ऐड करा था। अब मुझे ज़्यादा ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है पानी की, फिर भी मैं इसमें 1/2 कप पानी ऐड करूँगी। अभी हमें इसमें नमक डाल देना है, तो मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक और डाला है। यहाँ पर आप इसका नमक टेस्ट कर लीजिएगा, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। और अब मैं इसमें 1/2 कप पानी और डालूंगी। कुल मिलाकर मैंने इसको पकाने में 1.5 कप पानी का इस्तेमाल करा है। अब हमें इसमें हाई फ्लेम पर एक उबाल आने देना है, तो अभी हम इसको ढक कर रख देंगे। जब इसमें हाई फ्लेम पर एक उबाल आ जाएगी, तब हम गैस की फ्लेम को लो करेंगे। तो यहाँ पर चावलों में एक उबाल आ गई है। हम चावलों को एक बार ऊपर नीचे कर देंगे हल्के हल्के हाथों से, और अब हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसकी लिड लगा देंगे, और लो फ्लेम पर इसको 5 से 6 मिनट कुक करेंगे। लो फ्लेम पर मैंने इसको 5 से 6 मिनट पकाया है, और हमारे जो चावल हैं 50 to 60% कुक हो गए हैं। अब हमें इसको हल्के हल्के हाथों से एक बार ऊपर नीचे फिर से कर देना है, और इसको हम अभी एक साइड में करेंगे, और इसके नीचे कोई भी हैवी बॉटम तवा या फिर चावलों को दम करने की जाली रख देंगे। 2 मिनट के लिए गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे, जिससे कि हमारी जाली और पैन अच्छे से गर्म हो जाएंगे। उसके बाद गैस की फ्लेम को लो कर देंगे, और लो फ्लेम पर 10 से 12 मिनट इसको दम करेंगे। इधर हमें मटन के पीसेस को फ्राई कर लेना है, तो एक पैन में हम 1/4 कप के करीब तेल को गरम करेंगे, और जब तेल गरम हो जाएगा तो एक एक करके इसमें मटन के पीसेस ड्रॉप कर देंगे। यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर हमें मटन के पीसेस को हल्का सा गोल्डन होने तक फ्राई करना है। इस बात का ध्यान रखना है कि मटन के साथ इसकी जो यखनी थी वो ना आए, सिर्फ पीसेस आए, ड्राई पीसेस आए यहाँ पर। तो 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर मैंने हल्का सा गोल्डन होने तक मटन के पीसेस को फ्राई कर लिया है। अब हमें इन पीसेस को बाहर निकाल लेना है। इधर हमारे चावलों को दम होते हुए 10 से 12 मिनट हो गए, और हमारे चावल जो हैं कम्प्लीटली कुक हो गए। हमें गैस की फ्लेम को बंद कर देना है, और चावलों को हल्के हल्के हाथों से ऊपर नीचे कर लेना है, जिससे कि ये खिले खिले रहेंगे। अब हमने जो मटन के पीसेस फ्राई कर रहे हैं वो हमें इसके ऊपर रख देना है, और अब हमें देना है इसको स्मोकी फ्लेवर। तो इसके लिए हम इसके बीच में एक स्टील की कटोरी या फिर कोई फॉयल रखेंगे, फॉइल की कटोरी बनाकर रख सकते हैं आप, और इसके ऊपर रखेंगे एक जला हुआ कोयला। ऊपर से 1 टीस्पून तेल डालेंगे, और फौरन इसकी लिड लगा देंगे, और 3 से 4 मिनट इसको ऐसे ही ढके रहने देंगे। और 3 से 4 मिनट इसको स्मोक कर लिया है, और हमारी मटन मंदी बिरयानी बनकर तैयार है। इसके बीच में से हम ये कटोरी डिस्कार्ड कर देंगे और इसको सर्व करेंगे। तो यहाँ पर हमने अपनी मटन मंदी बिरयानी को कर लिया सर्व। जो हमने ड्राई फ्रूट्स फ्राई करे थे वो हमें इसके ऊपर गार्निश कर देने हैं, और हम इसको सर्व करेंगे मटन मंदी की चटनी से, जिसके बगैर ये बिरयानी अधूरी है। उसको ज़रूर से बना लीजिएगा, जिसका लिंक मैं आपको दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वीडियो के एंड में भी दे दूंगी। तो ज़रूर से इस डिलिशियस और टेस्टी बिरयानी की रेसिपी को ट्राई करिएगा। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, इसको शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मटन बिरयानी बनाने की रेसिपी, और ये बिरयानी इंस्पायर्ड है कानपुर की फेमस चमनगंज बिरयानी से। बहुत ही टेस्टी बिरयानी होती है, और इसको खाने दूर दूर से लोग आते हैं। इस रेसिपी को मैं अपनी एक सब्सक्राइबर तस्कीन जाफरी की रिक्वेस्ट पर बना रही हूँ, जिनकी बहुत जल्द बर्थडे आने वाली है, तो मैं उनको बर्थडे भी विश करती हूँ। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे तस्कीन। आइए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगी, जब आप स्टेप बाय स्टेप मेरे बताए हुए तरीके से इस बिरयानी को बनाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त आपकी बिरयानी बनकर तैयार होगी। बहुत ही टेस्टी ये बिरयानी बनती है, और इसकी खासियत ये है कि ये बहुत ही आसानी से बनती है, बहुत ज़्यादा इसको बनाने में तामझाम नहीं होते हैं, और इसके रिजल्ट्स होते हैं वो ऑसम होते हैं। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त हमारी बिरयानी बनकर तैयार होने वाली है। आइए बनाना शुरू करते हैं। बिरयानी बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिया हुआ है 2.5 लीटर पानी, जिसको मैंने उबाल लिया है। यहाँ पर हमें चावल पकाने हैं, उसके लिए मैंने पानी को उबाला है, और जब पानी में उबाल आ जाएगी तब हमें इसमें ऐड करना है 1 टेबल स्पून तेल।
तेल डालने से हमारे जो चावल हैं वो खिले खिले पकेंगे, और साथ में 2 टेबल स्पून हमें नमक ऐड करना है। नमक हमें थोड़ा सा तेज़ ऐड करना है ताकि वो चावलों में अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए। और यहाँ पर हमें 1/2 टीस्पून लेना है शाही ज़ीरा, 4 लौंग लेनी है, 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 2 छोटी इलायची और 2 तेज़पत्ते लेने हैं। ये सभी चीज़ें हमें पानी में ऐड कर देनी है। और अब हमें यहाँ पर चावल ऐड करने हैं, तो मैंने यहाँ पर 2 कप बासमती सेला गोल्डन राइस लिए हुए हैं। ये जो बिरयानी बनती है ये सेला राइस की ही बनती है, इनको मैंने 1.5-2 घंटे पहले भिगो दिया था। और आप चाहें तो बासमती लॉन्ग ग्रेन राइस भी ले सकते हैं। अब हमें इन चावलों को हाई फ्लेम पर 10 से 12 मिनट पकाना है, जब तक कि ये 70-80% तक कुक नहीं हो जाते हैं। तो ये देखिए 10 से 12 मिनट हो गए चावलों को पकते हुए, और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगी हमारे चावल में हल्की सी कनी बाकी है, इसका मतलब है ये 70-80% तक कुक हो चुके हैं। अब हम इन चावलों में से थोड़ा सा पानी निकाल लेंगे, जिसको हमें चावलों के ऊपर डालना है दम के टाइम पर। तो मैंने यहाँ पर 1/3 कप के करीब पानी निकाल लिया है, और बाकी के चावलों को और पानी को हम छान देंगे। पानी को हमें रिमूव करना है और चावल साइड में रखने हैं। और यहाँ पर मैंने लिया हुआ है 1/2 kg मटन, इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। वैसे ये जो बिरयानी है बड़े के मीट में बनती है, लेकिन मेरे घर पर पसंद नहीं करते हैं बड़े का मीट, तो मैं इसको मटन में बना रही हूँ। लेकिन आप चाहें तो यहाँ पर बड़े का मीट इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1/2 kg मटन लिया हुआ है, इसको मैंने वॉश करके रखा हुआ है। साथ में 3 से 4 हरी मिर्चें लेंगे, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। 1/4 टीस्पून मैंने फूड कलर लिया हुआ है ऑरेंज, थोड़े से पानी में घोल कर रखा है। और ये लेंगे कुछ पाउडर्ड मसाले, 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर नमक लिया हुआ है, 1 टीस्पून धनिया का पाउडर लेंगे, 1 टेबल स्पून बिरयानी मसाला पाउडर लेंगे, और 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने पीली मिर्च ली हुई है। इस बिरयानी में पीली मिर्च का ही इस्तेमाल होता है, लाल मिर्च नहीं ऐड करी जाती है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर जो बिरयानी मसाला है आप होममेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप रेडीमेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पर्सनली मैं शान ब्रांड का बिरयानी मसाला पाउडर प्रीफर करती हूँ, लेकिन आपकी मर्ज़ी है, जो आपको पसंद हो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून केवड़ा वाटर लिया है, आधा हमें इसको ग्रेवी में ऐड करना है और आधा चावलों के ऊपर ऐड करना है। 1/2 कप लेंगे दही, 2 मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने गोल्डन फ्राई करा, और दरदरा सा चाहे तो आप हाथों से क्रश कर लें या फिर पीस भी सकते हैं दरदरा सा। 1 टेबल स्पून अदरक और 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट लेंगे, 1/2 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 10 से 12 काली मिर्च, 4 से 5 लौंग, 1 बादियान का फूल, 6 छोटी इलायची और 1 बड़ी इलायची हमें यहाँ पर इस्तेमाल करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें मटन को मैरिनेट कर लेना है। हमने जितने भी पाउडर्ड मसाले लिए हुए हैं वो हमें इसमें डाल देने हैं, साथ में दही भी इसमें डाल देंगे, और जो हमने प्याज को गोल्डन फ्राई करके रखा हुआ है वो भी डाल देंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल देंगे। और ये जो केवड़ा वाटर है इसे हम बाद में ऐड करेंगे, वरना इसकी खुशबू चली जाएगी, जब हमारा मटन भुन जाएगा तब ऐड करेंगे। अच्छे से इसको मिला देंगे, ये सारे मसाले हमने इसमें अच्छे से मिला दिए। अब टाइम की सहूलियत के हिसाब से आप इसको मैरिनेशन के रख दीजिए, टाइम है तो 3 से 4 घंटे रख दीजिए, वरना आधा घंटा रखना भी सफिशिएंट रहता है। सबसे पहले हमें मटन पका लेना है, तो एक प्रेशर कुकर में हमें 3/4 कप के करीब तेल को गर्म कर लेना है। इस बिरयानी में तेल का थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा तेल ऐड कर रही हूँ, लेकिन अगर आप कम यूज़ करना चाहते हैं तो आप 1/2 कप तक तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब तेल गर्म हो जाएगा हम इसमें डाल देंगे साबुत गरम मसाले, और इनको हल्का सा क्रैकल कर लेंगे, जिससे कि इन मसालों की जो एरोमा है, जो खुशबू है, वो तेल में रिलीज़ हो जाएगी। और अब हम इसमें मैरिनेट किया हुआ मटन डाल देंगे, और इसको हमें अभी इस तेल में अच्छे से मिला देना है। हमें इसको अभी प्रेशर कुक कर लेना है, हम इसको बाद में भून लेंगे, तो अभी हमें इसको इसमें अच्छे से मिला देना है। और इसी के साथ हम इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे, तो मैंने यहाँ पर 1/4 कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाला है। इसमें बहुत पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मटन भी अपना पानी छोड़ेगा और दही भी अपना पानी छोड़ेगा, तो 1/4 कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी जो है वो सफिशियंट है। अब हम इसमें जो हमने हरी मिर्चें ली हैं वो भी डाल देंगे, लेकिन हरी मिर्चों की जो क्वांटिटी है आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें प्रेशर लगा देंगे, जब इसमें हाई फ्लेम पर एक प्रेशर आ जाएगा तो इसकी गैस की फ्लेम को लो कर देंगे, और लो फ्लेम पर इसको बस 10 से 12 मिनट पकाएंगे। अगर आप बड़े के मीट में पका रहे हैं तो फिर आपको इसको 20 से 25 मिनट पकाना होगा लो फ्लेम पर। इसके प्रेशर को हमें नेचुरली रिलीज़ कर लेना है, और यहाँ पर हमारा मटन जो है वो गल चुका है, लेकिन हमने इसको भूना नहीं था, तो अब हमें गैस की फ्लेम को ऑन कर देना है और हाई फ्लेम पर
इसको 6 से 7 मिनट के लिए भून लेंगे, जिससे कि इसमें जो भी रॉ स्मेल है मीट की और मसालों की वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा मटन जो है अच्छे से भुन चुका है। अब हमें इसमें से थोड़ा सा तेल निकाल लेना है, क्योंकि इस तेल को हम दम के टाइम चावलों के ऊपर डालेंगे। बावर्ची जब बिरयानी बनाते हैं तो वो बिरयानी का तेल निकाल लेते हैं और दम के टाइम चावलों के ऊपर डालते हैं, तो उसी तरीके से हमें भी इसको कर लेना है। और हमें डाल देना है इसमें केवड़े की आधी क्वांटिटी, आधा हम बचा लेंगे चावलों में डालेंगे दम के टाइम पर, मिला देंगे इसको। मैं मटन ग्रेवी को एक खुले वेसल में ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ और इसमें हम 2 से 3 टेबल स्पून पानी डाल देंगे, क्योंकि हम जब इसको दम पर रखेंगे तो हमारा जो मटन है वो नीचे से ना लगे, तो इस बात की एश्योरिटी के लिए हम थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे, 2 से 3 टेबल स्पून के करीब, या फिर 1/4 कप से थोड़ा सा कम। और अब हम इसके ऊपर अपने पके हुए चावल डाल देंगे और जो हमने तेल निकाला था ग्रेवी के ऊपर से वो हमें इसके ऊपर डाल देना है। और ये जो हमने पानी निकाला था चावलों के ऊपर से वो हमें इसके ऊपर डालना है, इससे जो चावलों में हल्की सी कनी या कच्चापन रह गया है तो ये पानी उसको कवर करेगा। और हमने जो केवड़ा आधा बचा लिया था वो हम इसमें डाल देंगे। और अब हम डाल देंगे इसके ऊपर फूड कलर, यहाँ पर मैं ऑरेंज फूड कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। और अब हमें गैस की फ्लेम को ऑन कर देना है और हाई फ्लेम पर इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है। उसके बाद गैस की फ्लेम को लो कर देंगे, 3 से 4 मिनट इसको लो फ्लेम पर पकाएंगे। उसके बाद हम इसके नीचे कोई भी हैवी बॉटम तवा या फिर चावलों को दम करने की जाली लगाएंगे। अभी इसको लो फ्लेम पर पकते हुए 3 से 4 मिनट हुए, अब हमें लगा देनी है इसके नीचे कोई भी हैवी बॉटम तवा या फिर जाली। तो मैं यहाँ पर ये चावलों को दम करने की जाली रख रही हूँ। अगर आपके पास ये जाली नहीं है तो आप तवा भी रख सकते हैं रोटी बनाने वाला। और अभी हमें 2 से 3 मिनट के लिए गैस की फ्लेम को हाई रखना है, ताकि हमारा तवा भी अच्छे से गर्म हो जाए और जो हीट है वो पैन तक अच्छे से आ जाए। जब ये दोनों चीज़ें खूब अच्छे से गर्म हो जाएंगी तब हमें गैस की फ्लेम को लो कर देना है और लो फ्लेम पर 15 से 20 मिनट इसको दम कर लेना है। लो फ्लेम पर हमारी बिरयानी को दम होते हुए तकरीबन 20 मिनट हो गए और यहाँ पर हमारी मटन दम बिरयानी बनकर तैयार हो गई है। इसको हमें हल्के हल्के हाथों से ऊपर नीचे कर लेना है। इस बिरयानी में हरा धनिया पुदीना वगैरह नहीं डलता है, इसको डायरेक्ट ऐसे ही सर्व किया जाता है। और बस अब हमें इसको सर्व कर लेना है। और बस अब हमें अपनी बिरयानी को सर्व कर लेना है। और ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त हमारी मटन बिरयानी बनकर तैयार हुई है और ये बिल्कुल वैसे ही बनी है जैसी बिरयानी चमनगंज की मशहूर है। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही ईजी भी है इसको बनाना, आपने देखा ही। तो मटन की इस टेस्टी और डिलीशियस बिरयानी रेसिपी को आप भी ट्राई करिएगा, बहुत ही आसानी से बनती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को 1 टाइम सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।